रोहतास के नोखा थाना क्षेत्र के गम्हारिया गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर ग्रामीण राकेश पांडे के खलिहान से 1 क्विंटल 60 किलो गांजा बरामद किया। रोहतास के एसपी आशीष भारती को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस संबंध में सासाराम के एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि नोखा थाना के पुलिस ने बेहतर काम किया है। प्रतिबंधित गांजा तस्करी से जुड़े तार को खंगाला जा रहा है और जल्द ही मामले में तस्करों की गिरफ्तारी भी होगी। हाँ जी, नोखा थाना के द्वारा 160 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसके अलावा 12 किलो के आसपास कुछ और भी बरामद हुआ है और कल सुबह इसकी सूचना मिली थी। उस सूचना पर एसएचओ नोखा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी की। जिन लोगों का नाम है वो लोग अभी मौके से फरार हैं। हमारी कोशिश ये है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी हम लोग खोजने की कोशिश करें। इस पूरे ऑपरेशन के लिए नोखा थाना अध्यक्ष कृपाल जी और उनकी टीम बधाई की पात्र है। उन लोगों ने जो त्वरित कार्रवाई की उसी वजह से ये सफलता मिल पाई है। हम लोग की कोशिश ये है कि हम इस नेटवर्क को पहले रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद उसके खिलाफ एक स्विफ्ट एक्शन लें।